नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप भर्ती के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग का जो सर्कल है, गुजरात सर्कल, जो कि अहमदाबाद में इसका हेड ऑफिस है, उसके द्वारा ये वैकेंसीज का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसीज में पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और एमटीएस इत्यादि की वैकेंसीज हैं। कुल वैकेंसी 188 वैकेंसी हैं। और इन सभी पदों के लिए आपको जो पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसी है गुजरात सर्कल के लिए। भारत सरकार का डाक विभाग के द्वारा ये गुजरात सर्कल के द्वारा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन ये शुरू होने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। 23 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर 2022 के बीच में ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसके लिए पेमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है, वो भी आप 22 नवंबर 2022 तक ही पे कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने 22 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे, उन कैंडिडेट को एक शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उन शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे, उनकी प्रोविजनल लिस्ट जो है वो 6 दिसंबर 2022 को डाक विभाग की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो आप 22/11 तक आप अपना जो आवेदन है वो भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर पाएंगे, इसके अलावा कोई अन्य माध्यम नहीं है। इस प्रकार के भर्तियों के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। doportsrecruitment.in ये एक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और ये जितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं, इसमें मेल गार्ड की, पोस्ट शॉर्टिंग असिस्टेंट की और एमटीएस की जो वैकेंसी हैं, ये स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ही भरी जाएंगी। स्पोर्ट्स कोटा की ये वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसी के लिए आपको देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, क्या पे स्केल रहेगा, वे सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, ये पे लेवल 4 की वैकेंसी है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 4 यानी कि 25,500 इसकी इनिशियल बेसिक पे प्लस यूजुअल अलाउंसेज और डीए आपको मिलेगा। पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो वैकेंसी है, ये लेवल 3 की वैकेंसी है, 21,700 इसकी इनिशियल बेसिक पे रहेगी। एमटीएस की बात करें, पे लेवल 1 की वैकेंसी है, 18,000 इसकी इनिशियल बेसिक पे प्लस जो यूजुअल अलाउंसेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को दिए जाते हैं, वो आपको मिलेंगे। और इस भर्ती के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार की नौकरी है। और भारत सरकार की नौकरियों के लिए किसी भी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वो एज लिमिट पूरी करते हों और एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी करते हों। अब देख लेते हैं एज लिमिट की बात करें, जो कैंडिडेट पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और एमटीएस के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी में, वो अप्लाई कर पाएंगे। एससी एसटी को भी ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, ओबीसी को 3 वर्ष की, हैंडीकैप्ड को 10 वर्ष की, हैंडीकैप्ड ओबीसी को 13 वर्ष की, हैंडीकैप्ड एससी एसटी को ऊपरी आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये था भारत सरकार के नियमों के, लेटेस्ट नियमों के मुताबिक ऊपरी आयु सीमा में इस प्रकार से आपको छूट प्रदान की जाएगी। अब आगे वैकेंसीज का विवरण एक टैबलेटर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अलग अलग जो गुजरात सर्कल की जो वैकेंसी है, इसमें जैसे अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद जीपीओ है, अहमदाबाद सिटी के अंदर 2 पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 9 वैकेंसी हैं, एमटीएस की 6, कुल मिलाकर ये 17 वैकेंसी अहमदाबाद सिटी के लिए है। इसी प्रकार गुजरात सर्कल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें अहमदाबाद जीपीओ, गांधीनगर, महसाणा, पाटन, आणंद, भरूच, पंचमहल, खेड़ा, सूरत, नवसारी, वडोदरा ईस्ट, वडोदरा वेस्ट,
वलसाड़, अमरेली, गोंदल, ये इस प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट्स में मिलाकर जो टोटल वैकेंसी हैं पोस्टल असिस्टेंट के लिए तो हैं 71 वैकेंसी, मेल गार्ड के लिए जो वैकेंसी हैं और पोस्टमैन के लिए वैकेंसी हैं 56 हैं, और एमटीएस की जो वैकेंसी हैं वो 61 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर ये 188 वैकेंसी हैं गुजरात सर्कल के लिए। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए कम से कम आप 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यदि आपने पास कर रखी है, और प्लस आपको कम से कम 60 दिनों का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग यदि आपने कर रखी है तो आप पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मेल गार्ड और पोस्टमैन की जो क्वालिफिकेशन है 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखी होनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज का आपको अनुभव आनी चाहिए जैसे गुजराती की, 10वीं तक गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और कम से कम 60 दिनों का आपका जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स है वो आपको किया हुआ होना चाहिए, प्लस आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का 2 वर्ष का जो लाइसेंस है वो आपके पास हो, या आपके पास एक जो क्वालिफिकेशन है वो स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन होना भी ज़रूरी है, तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार एमटीएस की बात करें, एमटीएस की जो वैकेंसी है उसके लिए 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो वो नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज जैसे गुजराती, और इसके अलावा स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन का विवरण था। इस प्रकार से इसी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं जो स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सी जो गेम्स हैं वो शामिल कर रखे हैं, जिसमें आर्चरी है, एथलीट है, बैडमिंटन है, बेसबॉल है, बॉक्सिंग, कैरम, क्रिकेट, साइकिल, पोलो है, चेस है, साइकिलिंग है, डेप्थ स्पोर्ट्स है, फेंसिंग है, गोल्फ। इसी प्रकार ये सारे जो स्पोर्ट्स की जो कैटेगरीज़ हैं वो शामिल कर रखी हैं। इसमें कुल मिलाकर ये 46 कैटेगरीज़ हैं जो 64 हैं जो मिलाकर आपको, जिसमें रेसलिंग इत्यादि सारी शामिल हैं। इसके मुताबिक यदि आपके पास कोई इंटरनेशनल कंपटीशन है, नेशनल कंपटीशन है, इंटर यूनिवर्सिटी है, नेशनल स्पोर्ट्स गेम का है, फिज़िकल एफिशिएंसी ड्राइव का है, तो उसके मुताबिक ही आपको ये अवार्ड आपको मिल रखे हैं। तो आप इन सभी पदों के लिए, स्पोर्ट्स के इन सभी पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको गुजरात सर्कल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के भर्तियों के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।